Hello everyone, how are you all? My dear students, today we welcome to our new lecture series for the biology of class 10th for the NTSC preparation. So let's start with the new chapter, that is life process. बच्चे आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें biology के अंदर first chapter पढ़ना है, that is life process. Okay, करें शुरू. देखो बच्चे, नेम इंडिकेट करना है हमें. सबसे पहले लाइफ साइंस के अंदर क्या होता है बच्चे? लाइफ साइंस दूसरा नाम है किसका? बायोलॉजी का. ठीक है, लाइफ साइंसेज के अंदर क्या होता है बच्चे? एक जो टर्म दी जाती है वो टर्म इलेबोरेट कर दी जाती है उसी उसी नेम के अंदर से. ठीक है, जैसे लाइफ प्रोसेसेस. तो अगर डेफिनेशन हमें बतानी है किसकी? लाइफ प्रोसेसेस की. तो क्या होगा बच्चे? देखो, इट कैन बी डिफाइंड एज बेसिक फंक्शंस और फंडामेंटल फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं किसके लिए बच्चे? इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर लाइफ. उस लाइफ को मेंटेन करने के लिए वो सारे फंक्शंस क्या कहलाएंगे बच्चे? लाइफ प्रोसेस. क्या कहलाएंगे? लाइफ प्रोसेस. अब ये लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आएगा? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. देखो बच्चे, सबसे पहले क्या है? न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं. तो डेफिनेशन क्या होगी न्यूट्रिशन की? इट इज द प्रोसेस इन विच अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस. अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस. सेकेंड इज रेस्पिरेशन. हाउ डू वी रेस्पायर? आपने प्रीवियस क्लासेस में भी ये चीज पढ़ी होगी. रेस्पिरेशन कैसे करते हैं बच्चे? There is a difference between breathing and respiration. Breathing is simply exchange of gases, but in case of respiration, you have to utilize that gases in oxidation of food. अब next आता है बच्चे क्या? Circulation. Circulation किसका कर रहे हैं बच्चे? In human beings हम किसकी बात कर रहे हैं? Blood circulation की बात कर रहे हैं. और उसके बाद क्या आता है बच्चे? Excretion. यानी जो आपका waste है, जो ब्लड से जो वेस्ट निकला है उस वेस्ट को कैसे एक्सक्रीट आउट करेंगे बॉडी के अंदर, वो चीजें किसके अंदर पड़ेंगे बच्चे? एक्सक्रीशन के अंदर. उसके बाद नेक्स्ट आता है लोकोमोशन. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन. मूवमेंट इज बेसिकली मूवमेंट लाइक ऑर्गनल मूवमेंट. एंड लोकोमोशन इज बेसिकली चेंज इन द लोकेशन. जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो क्या है? लोकोमोशन है. जब आप नॉर्मली बिना आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी लोकेशन और बिना चेंज किए भी, जैसे अभी मैं हैंड मूव कर रहा हूं वो क्या है हमारी बच्चे? मूवमेंट है. बट अगर मैं अपनी लोकेशन चेंज कर रहा हूं वो क्या है बच्चे? लोकोमोशन है. मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं वो क्या है बच्चे? मूवमेंट है. बट अगर मैं कोई लोकेशन चेंज नहीं कर रहा हूं तो वो मूवमेंट है, और लोकेशन चेंज कर रहा हूं तो वो हमारी लोकोमोशन है. क्लियर है इतनी बात? ठीक है. उसके बाद आता है बच्चे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. हाउ टू हैंडल अवर ऑर्गन्स, that is control and coordination when two or more organs, जब दो या दो से ज्यादा organs मिल करके कोई एक function perform कर रहे हैं वो क्या है बच्चे? Coordination. Clear है इतनी बात? I think आपको life process के बारे में idea आ गया होगा. बच्चे life process that means all the processes that are performed by living organisms inside the cell. एक cell के अंदर, एक body के अंदर उस सेल को अलाइव रखने के लिए, उस ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए जितने भी प्रोसेसेस आप परफॉर्म करते हो वो सारे क्या बच्चे? लाइफ प्रोसेसेस है. क्लियर है इतनी बात? उसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चे, लाइफ प्रोसेस क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? ऑर्गेनिजम्स को अलाउ करने के लिए. किस स्टेट के अंदर? इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर. अब इक्विलिब्रियम दैट मींस बैलेंसिंग द बॉडी, राइट? किसके अगेंस्ट? एनवायरमेंट के अगेंस्ट. जो हमारा एनवायरमेंट है उस एनवायरमेंट के अगेंस्ट हमें क्या करना है बच्चे? मेंटेन करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर लेकर के जाना है. उसके लिए लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म किया जाता है. क्लियर है इतनी बात? अब इस लाइफ प्रोसेस को करने के लिए क्या चाहिए बच्चे? एनर्जी चाहिए. क्या चाहिए? एनर्जी. वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी? एटीपी की फॉर्म में. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज एटीपी? अब एटीपी क्या होता है बच्चे? एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट. क्या होता है बच्चे? एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट. अब ये क्या है बच्चे? देखो, एडीनोसिन यहां क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड है. क्या है बच्चे? न्यूक्लियोसाइड है, जो एक कंपोनेंट है किसका बच्चे? डीएनए का और आरएनए का. ठीक है, और जिसके साथ में क्या है? तीन फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रखे हैं. क्लियर है इतनी बात? व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? एनर्जी करेंसी जिस फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है
वो एनर्जी करेंसी क्या होती है बच्चे, एटीपी। क्या होती है? एटीपी। यानी जितने भी बेसिक फंक्शन हमें परफॉर्म करने हैं वो सारे किसके थ्रू होंगे? एनर्जी के थ्रू। एनर्जी हमें कहां से मिलती है? फूड से, ठीक है। उस फूड को हम क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे बच्चे। ऑक्सीडाइज करेंगे तो वहां से क्या मिलेगी बच्चे हमें? एटीपी मिलेगी। और उस एटीपी को यूटिलाइज कौन करेगा? सेल यूटिलाइज करेगा। किसके अंदर बच्चे? ये सारे लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए। समझ आई इतनी बात? नीड इन फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर द मेंटेनेंस, फॉर देयर मेंटेनेंस। क्या मेंटेन करना हमें? हमें उसकी लिविंग स्टेट, यानी उसकी क्या है बच्चे, लिविंग स्टेट मेंटेन करनी है। जो हमने एनर्जी ली थी किससे बच्चे? फूड से। उसकी हेल्प से, उस फूड की एनर्जी की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको मेंटेन कर पाएंगे। किसको बच्चे? लाइफ प्रोसेस को। दैट मींस हमें न्यूट्रिशन प्रोसेस को एक्वायर करना है, रेस्पिरेशन करना है, या सर्कुलेशन करना है, या एक्सक्रीशन करना है। हर किसी के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वो सारी फुलफिलमेंट किसके थ्रू होंगे बच्चे? एनर्जी के थ्रू। और वो एनर्जी कहां से आएगी? फूड से। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे? हेल्प टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बॉडी फंक्शनिंग। यानी क्या है बच्चे? बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, सेल कैसे फंक्शन कर रहा है, टिश्यू कैसे फंक्शन कर रहे हैं, ऑर्गन्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, वो सारी चीजें कैसे हम पता कर पाएंगे? जब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? लाइफ प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? लाइफ प्रोसेस के बारे में। समझ आया? आई थिंक सबको समझ आ रहा होगा। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर फंक्शन। अगर हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पता चलेगा? एक तो उसका पैटर्न क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, दूसरा कैसे इंफॉर्मेशन, कौन सा फंक्शन, कौन सी सेल, कौन सा ऑर्गन, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो सारी चीजें हम किसके थ्रू पढ़ेंगे बच्चे? अगर हमने लाइफ प्रोसेस को पढ़ लिया, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का क्या है बच्चे? मेन रोल है किसके अंदर? लाइफ प्रोसेस के अंदर। आप हम मान के चलते हैं ये एक सेल है बच्चे, ठीक है, उसका खुद का न्यूक्लियस होगा तभी हम इसको सेल कंसिडर करेंगे। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है बच्चे, ठीक है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, और ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है बच्चे। मान ले इस चीज को, ठीक है जी। अब देखो बच्चे, ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड, वो जितनी भी रिएक्शंस होंगी, बायोकेमिकल रिएक्शंस जितनी भी होंगी, वो सबको, उन सबके सम को हम क्या बोलेंगे बच्चे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे बच्चे, उनके सम को क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। और ये बायोकेमिकल रिएक्शंस क्यों जरूरी हैं? ताकि क्या मेंटेन रहे बच्चे हमारा? क्या मेंटेन रहे बच्चे? लाइफ मेंटेन रहे, यानी हम लिविंग स्टेट के अंदर रहे, हम जिंदा रहे, उसके लिए जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनके सम को हम क्या बोलते हैं बच्चे? मेटाबॉलिज्म। और इन रिएक्शंस को क्या बोलेंगे बच्चे? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ये जो मेटाबॉलिज्म है, इसकी फर्दर दो कैटेगरीज हैं बच्चे। कौन सी? कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। दूसरी क्या है बच्चे? एनाबॉलिज्म। देखो बच्चे, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, इसको रिलेट करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे? आपने केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ा है? कैटायन। कैटायन के अंदर क्या होता है? लॉस। कैटायन के अंदर क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम चीज यहां बच्चे, कैटाबॉलिज्म के अंदर कौन सी रिएक्शंस होंगी जो क्या कर रही है बच्चे? ब्रेक डाउन कर रही है, और ब्रेक डाउन करेंगी तो एनर्जी को क्या करेंगी? कंज्यूम करेंगी। क्या करेंगी बच्चों? एनर्जी को कंज्यूम करेंगी। जो क्या कर रही है बेसिकली बच्चे, एनर्जी कंजप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सारी ब्रेकडाउन रिएक्शंस क्या है बच्चे? कैटाबॉलिज्म के अंदर पड़ेंगे। और जितनी भी ग्रोथ रिएक्शंस हैं बच्चे, जितनी भी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो रिएक्शंस, वो सारी किसके अंदर पड़ेंगे बच्चे? एनाबॉलिज्म के अंदर। और कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म ये मिल करके क्या बनाएगा बच्चे? मेटाबॉलिज्म। क्या बनाएगा? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म ही डिसाइड करता है हमारी बॉडी की ग्रोथ, वो कैसे होगी, ठीक है बच्चे। ये आज हमने क्या किया है? आज हमने जस्ट शुरू किया है किसको? लाइफ प्रोसेस को। ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी क्लास है बच्चे। इसमें बेसिकली चार प्रोसेस मेन रहेंगे। कौन से? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इन चारों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज की हमारी कैसी लगी आपको क्लास, जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।